पार्टी के सांसदों ने मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में जो कुछ भी किया वो अत्यंत शर्मनाक है, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्ता पक्ष की दबंगई को प्रदर्शित करता है। वो दबंगई क्यों की गई, वो बदसुलूकी क्यों की गई, ये बिंदुवार मैं आपको बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान एक बिल लेकर आते हैं कि ओबीसी का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए, यह उनका बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। इस बिल के आते ही भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी का खून खौलने लगता है, उनको लगता है अरे इस देश के सदन में कैसे ओबीसी के आरक्षण उनकी संख्या के आधार पर दिए जाने पर चर्चा हो सकती है। और इस बौखलाहट में वो क्या करते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कल जो बदसलूकी, जिस तरह की दादागिरी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में किया, कांग्रेस पार्टी के सांसद नीरज डांगी जब बोल रहे थे उस वक्त जो कुछ भी किया, दलित समाज से आने वाले नीरज डांगी के साथ जो किया, मैं समझता हूं वो बीजेपी के पिछड़ा दलित और आदिवासी विरोधी चेहरे को पूरे देश के सामने उजागर करता है। मैं पूछना और कल अगर सभापति महोदय नहीं होते, अगर चेयरमैन साहब हस्तक्षेप नहीं करते तो इतना उत्तेजित हो चुके थे बीजेपी वाले और खुद मंत्री पीयूष गोयल कि शायद वो मारपीट भी करते सदन के अंदर। ये तो बीच में चेयरमैन महोदय ने हस्तक्षेप किया तब जाकर स्थिति किसी तरह से नियंत्रित हो पाई। आप पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से पूछना चाहता हूं, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जितनी जनसंख्या पिछड़े वर्ग के लोगों की है उस अनुपात में उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इस पे अगर चर्चा और बहस हो रही है तो आपके सांसद लोगों के साथ बदसलूकी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, उनको बोलने नहीं देंगे, ये कैसे आप सदन की कार्रवाई चलाना चाहते हैं? मैं पहला वीडियो दिखाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के सांसद नीरज डांगी जब ये ओबीसी बिल पे बोल रहे थे तो उनके साथ बीजेपी के लोगों ने क्या किया, ये आप देखिए ध्यान से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।